हाय फ्रेंड्स, मनीष नायर वंस अगेन। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये इंटरव्यू सीरीज जो हम लोग बना रहे हैं वो आप तक पहुंच रही होगी और आप इसका लाभ उठा रहे होंगे, आप सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और अपने इंटरव्यू प्रोसेस पे जो आप कहते हैं मॉक ड्रिल्स होते हैं आपके, उसमें आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होंगे और अपने आप को असेस कर रहे होंगे। दोस्तों प्लीज कीजिएगा अब तक नहीं किया तो, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट इज ऑलवेज बेटर। एंड एक मेंटर, एक आइडल बनाइए जिनको साथ में रखिएगा, उनके साथ में ये वीडियो देखिएगा, खुद के वीडियो, और उनको अप्लाई कर रहे हैं आप सही ढंग से मालूम कीजिएगा। अगर कुछ आपको लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं तो प्लीज बताइएगा। दोस्तों इसी सीरीज में मैं आज आपके सामने लेके आया हूं व्हाई यू शुड बी हायर्ड, ये क्वेश्चन का जवाब आप कैसे अप्रोच करें। तो why you should be hired, यदि आपको ये सवाल आता है दोस्तों, तो इसमें कुछ components है, उसे आप बारीकियों को समझ लीजिएगा। I'm sure कि आप इसे अगली बार आराम से crack कर पाएंगे। Why you should be hired? पहली बात, आपकी qualification match करती है वो job profile से, आप eligible है, eligibility and qualification दोनों अलग होती है दोस्तों। यदि आप science graduate हैं, आप commerce है, आप आर्ट्स ग्रेजुएट हैं, और उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब प्रोफाइल अलग अलग होती हैं अलग अलग जॉब्स के लिए, अलग अलग इंडस्ट्री के लिए दोस्तों, तो आपकी क्वालिफिकेशन एक क्राइटेरिया होगी। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके परसेंटेज क्राइटेरिया हो गए दोस्तों, राइट। और थर्ड कॉम्पोनेंट आता है कि आप इंटरव्यू देते वक्त ध्यान रखिएगा कि आप जिस किसी क्वेश्चन का है, या वो टेक्निकल क्वेश्चन हो या नॉन टेक्निकल क्वेश्चन हो, यदि आप उसका सवाल का जवाब सही तरीके से दे रहे हैं, भले आपको यदि आता नहीं तो साफ साफ बोल दीजिए कि आपको सॉरी आई डोंट नो एन आंसर टू दिस सर, मेक्स मी सॉरी आई डोंट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, आप ऐसा बता के आप उसको वहां एडमिट कर सकते हैं। हैव दैट काइंड ऑफ अ करेज एंड ऑडासिटी टू से दैट यू डोंट नो, इफ यू आर नॉट अवेयर डोंट ब्लफ, डोंट बीट अराउंड द बुश। आप कृपया ऐसा कुछ ना करें जिससे आप पकड़े जाएं कि आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलना बिल्कुल नहीं चाहिए दोस्तों, चाहिए ये कि आप प्रोसेस वाइज कैसे कर सकते हैं आप उसे ध्यान में रखें। आप कोशिश ये कीजिए, पहले तो ये है कि आप क्वालिफाइड हैं ये बताइए, आप एलिजिबल ये बताइए, आप सभी प्रश्नों का जवाब सही दिशा में दे रहे हैं ये बताइए। यू नीड नॉट टू से दैट आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली, यू कैन से सर आउट ऑफ द 10 क्वेश्चंस आई बिलीव आई हैव आंसर्ड 6 ऑफ देम इन द राइट डायरेक्शन, ऐसा बोल सकते हैं आप। और चौथा क्राइटेरिया ये हो सकता है कि आप बता सकते हैं कि सर मोर ओवर I am a good listener, I'm a fast learner, I'm a team player, I can make decisions, I can, I'm a problem solver, ऐसे बहुत सारे स्किल सेट्स हैं जो आपके आइडेंटिफाइड होंगे, तो आप उससे बताइए, लेकिन कृपया दो ही बताइए। आप रटे रटाए साबित होंगे यदि आपने ये जितना मैंने कहा वो सब बोले तो। आप इसमें से कोई भी दो चुन सकते हैं, आई एम अ फास्ट लर्नर, आई एम अ गुड लिसनर, ऐसा आप बोल सकते हैं आप, आई एम अ गुड लिसनर एंड आई एम अ टीम प्लेयर, ऐसा बोल सकते हैं आप, ऐसा कह सकते हैं कि आई एम अ गुड लिसनर एज वेल एज आई हैव अ हाई सोशल स्किल्स, सोशियबल स्किल्स, ऐसा बोल सकते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स ये बोल सकते हैं आप। तो ऐसे बहुत सारे स्किल्स है जो आइडेंटिफाइड होंगे। मैं वापस से दोहराता हूं मैंने क्या कहा, व्हाई यू शुड बी हायर्ड, इसे आप चार पैरामीटर में जवाब दीजिए। पहला तो आपका क्वालिफिकेशन मैच होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब प्रोफाइल के लिए। सेकंड, आपका एलिजिबिलिटी परसेंटेज मैच होता है। थर्ड, आप क्या कहते हैं क्वेश्चन का आंसर कैसे कर रहे हैं। यदि आपने 10 में से 5 या 6 क्वेश्चन सही जवाब दिए तो आप वो बोल के बताइए प्लीज इंटरव्यूअर को कि सर आई हैव बीन आंसरिंग दिस क्वेश्चन इन द राइट डायरेक्शन, राइट। चौथा, आप ये बताइए कि आप में मोर ओवर ऐसी कुछ क्वालिटीज है जो जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब प्रोफाइल को मैच करती है, गुड लिसनर एंड फास्ट लर्नर, ये बहुत अच्छी क्वालिटीज है दोस्तों, ये जरूर बताइए अगर आप में है तो। फिर आप कहिएगा सर दैट्स द रीजन व्हाई आई बेस्ट फिट टू दिस प्रोफाइल, आई थिंक व्हाई यू शुड हायर बिकॉज ऑफ दीज क्राइटेरिया, थैंक यू सर, ऐसा बोलिएगा, राइट। तो दोस्तों यदि आप ये समझ गए हैं तो कृपया इसे आप जॉट डाउन कीजिए, इसे तैयार कीजिए, एक वीडियो बनाइए, अपना असेस कीजिए। मैं कहीं मददगार साबित हुआ तो डेफिनेटली बताइएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही है, जब तक हम मिलते हैं तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सी यू सून, गॉड ब्लेस, बाय बाय।